गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम उठ चुके हैं और बज रहे हैं सुबह के 7 बोला मैंने, और चाय हम सब ने पी ली है। और यहाँ आज यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर अच्छा भी बन सकता है बुरा भी बन सकता है, 50-50 चांसेस है बनने के। हाँ दा, पहली बार ऐसा ही होता है। नहीं मैंने बनाया पहले भी, इतना नहीं बनाया है। हाँ आज क्या बनाया, तो बता दो तुम क्या बना रही। जो बनेगा तो भी बताओगी, अगर नहीं बनेगा तो ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको कि क्या कर रही है यहाँ पे। अभी हमने सारे मसाले ले लिए है ना, क्या क्या है, पूरे मसाले हैं ये पीसे हुए हैं, दिख नहीं रहे, डाल देंगे, आज देखते हैं क्या बनता है। तुम्हें बता दो पहले तू बना क्या रही है। हम बना रहे हैं परांठे, ये है आलू, हमने बॉईल कर दिए और मैश भी करते हैं आलू। ये एक्चुअली में दाल के परांठे बना रही है, दाल और आलू। हाँ और तो ये तो पता होना चाहिए, लोग सोचेंगे क्या कर रही है। इसको मैं फिर दाल गूंदूंगी, थोड़ी थोड़ी दाल डालूंगी। नहीं पूरी डाल पहले, नहीं राजमा की दाल होती तो ज़्यादा अच्छा था। राजमा नहीं बनने, ठीक है फिर बता देते हैं आपको गूंद के। पापा ने रात को दाल नहीं खाई थी, पूरी दाल बची है, उसकी वजह से हम ये सब बना रहे हैं। और हर्षु गूंद रही है अभी आटा, और इसको आता नहीं है, अभी सिखा रहे हैं इसको कि आटा कैसे सिखाएगा। सच में मम्मा है ना, सच में इसने सिखा, देखो। और इसकी हम थोड़े से परांठे बनाएंगे और थोड़ी से हम इसकी पूरी बनाएंगे, है ना। और अभी हर्षु दीदी बना रही है परांठा, कितना गोल था उन्हें कभी देखा ही नहीं होगा। इससे भी गोल बनाती हूँ मेरी रोटी, आज से गोल ही बनी है बिल्कुल गोल। अब इसमें लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल, घी नहीं लगा रही हूँ, चिप जाता है। ठीक है देखो सही, तो मेरे जैसे परांठी को इतना ही चलता है। कोलकाता हुआ था पास सारा क्या, बस अब बेल लूंगी मैं इसको। गाइस लाइव बता रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, इतने अच्छे परांठे बनते हैं। वाह गाइस देखो, त्रिकोणी बनाने वाले परांठे की गोल की नहीं बनाने, ऐसे अच्छे पकते हैं अंदर तक। ये देखो वाओ कितना सुंदर है ये तो। ज्यादा भी नहीं बोल। अभी लगा देंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी, ज्यादा नहीं लगाने दो, इनके सर में दर्द लगना शुरू हो जाती है। जिसको भी खाने आ जाए, ओके जिसको नहीं पसंद ना आए। ये हो गया पीयूष तैयार, और इसके स्कूल में आज टीचर्स डे, बस टीचर्स को जाना चाहिए नए कपड़े डाल के। तू क्यों जा रहा है आज, हम भी टीचर बनेंगे। क्या पढ़ाएगा तू? मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा बिजनेस। बिजनेस पढ़ाई देगा, देखेगी इसकी? नहीं नहीं है, टॉप पे नहीं कर दोस्तों आज तेरी पढ़ाने ले। और ना ये जूते लेके आया है, मेरे को तो ये पता नहीं चल रहा है इसके जूतों का, ना इसमें लेस है, लेस है पता नहीं कैसे है ये, फैशन है बेबी ये। डाला पता नहीं इसकी क्या पसंद है, एक बार खराब हो गए तो हो गए, उसके बाद इनका कुछ नहीं हो सकता। लड़की आज बोल रहा, लड़की लड़कियाँ पटनी आज काला हो गया तो पूरा। अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और मैं जा रही हूँ, और ये तो घर में ही रहती है ये बेचारी, जाती आज तो इसने भी जाना है कहीं, आज इसको इसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए जाएगी। और आज मैंने पहने हैं
ऐसे ही कपड़े। और मेरी मम्मी मेरी तरफ बहुत ही घूर घूर के देख रही है, जैसे पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छे कपड़े हैं मम्मी। अब मैं जा रही हूँ बाजार, मेरी फ्रेंड का बर्थडे, बर्थडे तो हो गया 2-3 दिन पहले, लेकिन उसकी पार्टी आज। मैं पहुँच गई बाजार, इशू मिल गई, और मैं तनवी के लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। चलना ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ उसके लिए। अर्षु दीदी ले रही है अभी तन्वी दीदी के लिए गिफ्ट, बतावा बहुत ज़्यादा कलेक्शन है वैसे यहाँ पर। ये वाला भी अच्छा, यूज़ ठीक। गिफ्ट हमने पैक करने के लिए दे दी, और इधर हमारे से चॉकलेट लेनी, चॉकलेट भी हमने ले ली है। पैक डाल दो भैया, क्या होगा तो कितना समझ। और इशू चली जाएगी अपने उधर, और मैं अपना उधर चली अपनी अपनी जगह चल जाएंगे दोनों। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तन्वी। अभी तन्वी का बर्थडे केक काट दिया है, और तन्वी ले रही है नीचे फोटो, उधर ओशीन है। और मैं आपको बताती हूँ, पीयूष का स्कूल भी इधर से सामने ही है, बिल्कुल सामने है। ओ ऐसे नहीं आएगा, ये सामने है पीयूष का स्कूल, उधर है मेरी फ्रेंड ओशीन। हम कॉलेज से ही साथ, नहीं स्कूल से ही साथ में है। हेलो गाइस, ये ओशीन मेरी फ्रेंड, और हम कब से साथ में, 11th स्टैंडर्ड से कॉलेज भी हमने ग्रेजुएशन इकट्ठा की हुई है, अभी साथ में ही है। अभी हम पार्टी करने आए गाइस, और तन्वी फोटो ले रही है, 2-3 से लेगी उसके बाद ही मानेगी। हाँ, वो अभी बिजी है वो। तन्वी का बर्थडे है, बर्थडे हो गया 2-3 दिन पहले, आज इसकी पार्टी है। इतनी सुंदर लग रही है परी जैसी। थैंक यू। तब इसने मेरी स्टोरी पे भी गाना परी वाला लिखा था, सोन परी। चलिए हमारे फोटो, अभी तन्वी ले रही है नीचे फोटोज, बहुत ज्यादा फोटो ले रही है उसने, पर मानती नहीं है। और हम थक गए, और हम ऊपर जा रहे हैं। अभी वीडियो बनाएगी, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा उसको, और पूरा कोटा पूरा करती है वो। हमें गर्मी लग रही है गाइस, हम ऊपर जा रहे हैं अब एसी में, वैसे हॉट है वॉशिंग पहले से ही। चलो हम ऊपर चलते हैं। मुझे छोटे बच्चों को नहीं होते एक्साइटमेंट, है ना, गिफ्ट्स मिलते हैं आराम। थैंक यू, देखा मैंने पे डाली कि अपने ब्लॉग में कि मैंने इसको गिफ्ट किया है। अच्छा है, बहुत प्यारा है, अच्छा है ना, अच्छा है। सीसा भी ऊपर, अपनी शक्ल देखा। अभी हम जा रहे हैं वापिस, देखो। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं, मेरी बर्थडे पार्टी खत्म होगी, बाय बाय। अभी मैं आ गई हूँ वापिस, और मम्मी इधर कपड़े सुखा रही है, मैं थक गई हूँ। पीयूष है अंदर, ले तन्वी दीदी ने दी तेरे को कचौरियाँ। हाँ अब ईशु भी आ गई है घर, आज जल्दी आ गई है थोड़ा। ईशु मैंने थोड़ा सा इशारा किया, अभी जल्दी आ जा, तो ऐसे पहुंची 10 मिनट तो पहुंचे ऐसे किया। आप लोगों ने जल्दी 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 चीनी लिया, ये लिया वो लिया,
बढ़िया है। चीनी जब इनको काम होता है तो मुझे फोन करते हैं और फिर बाद में मुझे ऐसे टॉन्ट सुनाते हैं सभी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सकती हूँ ऐसे मैं सोच रहा हूँ। चीनी खत्म थी तो फिर उसको चाय पीनी थी, बोलता है जल्दी घर आ जाओ चीनी ले आ, वैसे तो बहुत पड़ती है सौ पड़ती है। और अक्षु दीदी तो आज बहुत मजे करके आई है, है है ना? यही मजे करती थी कुछ दिन पहले रोजी। बेचारी को धर्मशाला बहुत याद आता है, बहुत ही ज्यादा। अब अफसोस की घड़िया है ये, बेचारी घर आ गई है। बोलते हैं इसको चंडीगढ़ चला जा, चली जा बोलते नहीं है तुझे पापा ने करती है। पापा बोले जॉब नहीं करनी है, आईलेट्स कर ले चंडीगढ़ में जा ऐसा बोले। अब पीयूष बना रहा है इधर चाय। कैसे अदर टीचर्स डे आज? बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी क्लास टीचर ही नहीं थी। कंपा दो गिन दो तो भाग रहा। मेरी क्लास टीचर नहीं आई थी। तब क्या हुआ? फिर हम दूसरी टीचर के साथ क्या सेलिब्रेट जो हमें बढ़िया लगी। ये बना रहा है पीयूष चाय, ये सब के लिए है। हां मेरे को कम लग रही है। लास्ट टीचर। अभी मैं बैठ चुका हूँ टंकी में और अभी बज गए हैं 6 और मैं गिरने वाला था। और ये दो मेरे बॉडीगार्ड पीछे खड़े हुए हैं, इनको मैं चेयर भी नहीं रखी है मैंने तो अपनी बॉडीगार्ड्स के लिए। बस ये तो मेरे नई टंकी लाएंगे यार, हम यहाँ से जा तो रहे हैं चंबा। टेंशन ही कोई नहीं है, अब तो नई टंकी आएगी चंबा की नई टंकी। पता नहीं कब जैसे हम जाएंगे यहाँ से। अर्शु दीदी ने मंगवाए हैं नहाने के साबुन और इसको मैं सिखा दूंगी। फ्लिपकार्ट है तू इतने अच्छे काम कैसे कर लेती है? अच्छा लगा तेरे को? मुझे इसकी इच्छा बहुत दिनों से थी और मैं मॉल में भी ये लेना चाहती थी पर उस टाइम मैंने लिया नहीं था। और गाइस वाह अर्शु दीदी देख कितने अच्छे है, ये बड़े भी है ना। कितने का है ये पूरा पैकेट? 350। हाँ तो कितने है? मुझे लगता एक साइड कितने है? 9 होने। 3 है ये ना, तो नीचे को है ये 9 है। मम्मी ऐसे होती है लड़क मम्मी पैसे बेटिया पैसे ये लाती है सारा सामान और बहुत अच्छी है बेचारी हमारे गोल लगने के लिए लाती है। मम्मी पैसे मम्मी की तो ना बिल्कुल मुंह 10 जा रहा है इधर खाते वो। अभी हमने खाना खुना खा लिया है और बर्तन तो इसने धो ही दिए और अभी हम लगे हैं सोने। बाय बाय गुड नाइट इसलिए पूछा।